गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द कैरिंग चार्ज माइनस क्यू वन इज मूविंग अराउंड द चार्ज क्यू टू। जो बोल रहा है उसी को कर ले बेटा सॉल्यूशन में, कि एक चार्ज है क्यू टू, इसके अराउंड में एम मास का एक चार्ज है जिसके पास माइनस क्यू वन चार्ज है और वो इसके चारों ओर मूव कर रहा है। एम मास का है और चार्ज माइनस क्यू वन है, मूविंग अराउंड द चार्ज क्यू टू। क्यू टू के अराउंड ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, और रेडियस जिसकी आर है बेटा, ये रेडियस इसकी कितनी है आर, और ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ। फिर क्या है, प्रूव दैट द पीरियड्स ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस क्यू, प्रूव कीजिए कि माइनस क्यू चार्ज का जो पीरियड्स है वो टी इक्वल टू इतना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि इस न्यूक्लियस, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज इसके चारों ओर मूव कर रहा है तो ये एट अ सेंटर है, तो सेंटर के थ्रू इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इनसाइड में, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये इस पर एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स लगाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। और बोथ आर फोर्स इक्वल, तो दोनों फोर्स जब इक्वल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा एम बी स्क्वायर बाई आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। बेटा यहां से ये आर कैंसिल, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपान 4πε0 और एम आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, v इक्वल टू अंडर रूट क्यू वन क्यू टू अपान 4πε0 एम आर। यहां से ये इस वाले चार्ज की वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी क्या मिली क्यू वन क्यू टू अपान 4πε0 एम आर। बेटा अगर इस वाले चार्ज की ये वेलोसिटी है तो देखिए टाइम पीरियड इस वाले सर्कुलर ऑर्बिट पर कितना होगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपान वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू 2πr। वेलोसिटी का वैल्यू इतना रखेंगे बेटा क्यू वन क्यू टू अपान 4πε0 एम आर, और यहां से ये रूट में आ जाएगा तो आ जाएगा 4πr² अपान क्यू वन क्यू टू अपान 4πε0 एम आर। इसका बेटा यहां मल्टीप्लीकेशन होगा तो मिलेगा क्या टी इक्वल टू 4π² और 4π 16π, यहां से हो जाएगा 16π³। बेटा ये 2πr और ये 4π, रूट के अंदर जाएगा तो 4πr² हो जाएगा, 4π² हो जाएगा और 4π, ठीक है, तो 16π³। और यहां से ε₀, ये ऊपर जाएगा ε₀, mr³ और अपान में ये है q1 q2, तो यहां से 16π² ε₀ mr³ q1 q2, यहां पाई स्क्वायर आ रहा है बेटा, बेसिकली देखते हैं पाई स्क्वायर बेटा यहां आया है इक्वल टू 16π³ ε₀ mr³ अपान q1 q2। बेटा सॉरी ये r³ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ बेटा, और स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सपोज द स्फीयर ए एंड बी
having the charge 6.5 × 10⁻⁵ कूलम, दोनों पर इतना इतना चार्ज है और दोनों सेम नेचर के हैं, हैव द आइडेंटिकल साइज और उनका साइज भी बेटा सेम है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। सपोज कर लेते हैं कि ये चार्ज ए है, ये सेकंड का सॉल्यूशन है बेटा, ये चार्ज ए है और उस पर क्यू चार्ज जो है वो 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है और ये चार्ज बी है और बी पर भी चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है बेटा, ये 7 कूलम। इट मींस क्यू ये भी है, क्यू ये भी है और बोल रहा है कि इसे रखा गया है ऐसे, बट एक एक दूसरा चार्ज है जो सी है बेटा और वो अनचार्ज है। सी जो है वो कैसा है, अनचार्ज है। अनचार्ज है इट मींस क्यू इक्वल टू इसका जीरो है और ये ए वाले के कॉन्टेक्ट में रखा गया। बोल रहा है अ थर्ड स्फीयर सी ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, और फर्स्ट वाले के कॉन्टेक्ट में रख दिया गया, ए के कॉन्टेक्ट में रख दिया गया। ये बेटा यहां पर दूसरे चौक से हम लिखते हैं, ये ए के कॉन्टेक्ट में रखा गया सी, तो इस पर बेटा चार्ज कितना है 6.5 × 10⁻⁷ और जब ये कॉन्टेक्ट में रखा गया तो क्या मिला कि दोनों चार्ज जैसे ही कॉन्टेक्ट में रखे गए इन पर चार्ज क्या हुआ, क्वांटाइज हो गया, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा, और इस पर भी q/2 चार्ज हो गया और इस पर भी q/2 चार्ज हो गया, ए पर भी और सी पर भी, और फिर इनको अलग कर लिया गया बेटा। अगले स्टेप में क्या किया गया, ए को अलग कर लिया गया और सी को अलग कर लिया गया, फिर से क्या किया गया इसमें, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, और उसके बाद बेटा इसे स्फेयर को बेटा इसी सी स्फेयर को फिर सेकंड वाले के कांटेक्ट में रखा गया। इट मींस ये बी है और फिर इसी को सी को किसके कांटेक्ट में रखा गया, फिर बी के कांटेक्ट में रखा गया। अब बेटा जो सी है उस पर q/2 चार्ज है बट जो आपका बी है उस पर तो क्यू ही चार्ज है, और जैसे ही कांटेक्ट में रखा गया ए और सी को, ए है और ये सी है, इस पर देखिए बेटा क्यू चार्ज है, इस पर q/2 चार्ज है। अब देखिए यहां से q + q/2 और / 2 ये चार्ज हो जाएगा आपका सी पर और q + q/2 और / 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हाफ हाफ चार्ज। देखिए टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा, टोटल चार्ज q + q/2 दोनों को मिला के इतना चार्ज हुआ। अब इसका जस्ट हाफ इस वाले पर होगा और इतना ही चार्ज इस वाले पर होगा, टोटल सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके 2q + q 3q/4 ये दोनों पर चार्ज हो जाएगा बेटा। देखिए इस पर भी 3q/4 चार्ज हो जाएगा, इस पर भी 3q/4 चार्ज हो जाएगा, इस पर भी 3q/4 और इस पर भी 3q/4 चार्ज हो जाएगा। अब बोल रहा है बेटा कि दोनों को अलग कर लिया गया तो अलग अलग पर इतना चार्ज हो जाएगा। फिर बोला गया व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब आप बताइए, पूछ रहा है बेटा कि ए और बी के बीच में, ए है ये और ये बी है, इनके बीच में रिपल्सन का कितना फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा। आप ध्यान दो बेटा कि ए वाले पे अब कितना चार्ज है, ए वाले को जब यहां से अलग किया था तो ए वाले पर q/2 चार्ज है, कितना चार्ज है q/2 चार्ज है, और बी वाले पर कितना चार्ज है बेटा, अब यहां पर ए वाले पर बेटा यहां पर देखो आप, ए वाले पर 3q/4 चार्ज है, 3q/4 चार्ज है, बट बी वाले पर देखो कितना चार्ज है बेटा, तो बी वाले को जब यहां पर बेटा यहां पर ये ए ना होकर, सॉरी ये ए ना होकर बी है, और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये है बेटा,
तो यहां पर बी वाले पर कितना चार्ज है, 3q/4, ये बी स्पेयर है, तो बी पर 3q/4 चार्ज होगा। और ए पर बेटा आप यहां पर देखो, ए पर चार्ज जो होगा वो q/2 चार्ज होगा। अब यहीं पर आपको न्यू फोर्स कैलकुलेट करना है जब इन पर चार्ज q/2 और 3q/4 होगा, तो आपको रिपल्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो रिपल्शन फोर्स F=, बेटा कितना होगा, रिपल्शन फोर्स 9×10⁻¹, ये 1/4πε₀, 1/4πε₀ की वैल्यू होती है बेटा 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, तो इतना इसकी वैल्यू हो जाएगी। और Q1 की वैल्यू q/2 और Q2 की वैल्यू 3q/4 और भाई r की वैल्यू इसमें दे रखा है, यहां पर r की वैल्यू बेटा 1 एंगस्ट्रॉम है, शायद यहां पर लिखा नहीं है, 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻¹⁰ होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 9×10⁻¹ और q1 q2 q² हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर स्टेप थोड़ा फास्ट करेंगे, 1.6 10⁻¹⁹ बेटा 9×10⁻¹⁹ इंटू 3 1.6 10⁻¹⁹ होल स्क्वायर, q² हो जाएगा ना। और यहां से 4×2 = 8, यहां पर 8 भी हो जाएगा, देखिए बेटा q² हो जाएगा, तो 1.6 10⁻¹⁹ होल स्क्वायर और 4×2 = 8 यहां हो जाएगा और 3 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 69.12 और 8 और इंटू 10⁻¹ बेटा, यहां देखिए 9 10⁻¹⁹ और 19 -38 और 20 यहां से, एक मिनट, आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर, हाँ 10⁻¹⁹ ठीक है, तो यहां से ये यहां पर 20 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20 और इसको 8 से सॉल्व करेंगे बेटा, 8.64 × 10⁻¹⁹, ये 9 माइनस होगा तो 29 माइनस में बचेगा और -29 + 20 तो यहां हो जाएगा -9 न्यूटन। तो ये फाइनली आंसर आएगा बेटा 8.864 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। तो आपको ये पता चल गया बेटा कि ए और बी दो चार्ज स्फीयर है, हैविंग अ चार्ज 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलाम और जब इसे एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखा गया तो चार्ज q/2 डिस्ट्रीब्यूट होकर आया, फिर इसी c को b स्फीयर के कांटेक्ट में रखा गया तो दोनों पर चार्ज 3q/4 आया। अब a और b के बीच पूछ रहा है रिपल्शन फोर्स कितना है, तो 8.64 × 10⁻¹⁹ न्यूटन आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, पॉज करके वीडियो को इसको नोट करो। और नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन है इसका थर्ड वाले का बेटा, टू स्मॉल स्फीयर इच हैविंग मास m है, दो स्मॉल स्फीयर है सबका मास m है बेटा और चार्ज क्यू है कूलाम, और याद रखना बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज दोनों पर है और दोनों का मास m ही है, और बोल रहा है कि सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट बाय द इंसुलेटिंग थ्रेड इज l मीटर लॉन्ग बट द नेग्लिजिबल मास। बेटा बोल रहा है कि ये जो बॉब है, इस बॉब को सस्पेंड किया गया और जब सस्पेंड किया गया यहां पर तो एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया दोनों बाब को, और वो जो थ्रेड है उस थ्रेड का वेट या मास नेग्लिजिबल है बेटा, मास एम है और नेग्लिजिबल है,
बेटा आगे बोल रहा है और इस पर चार्ज क्यों है, जब बेटा याद रखिएगा चार्ज क्यों है इस पर, चार्ज इस पर भी क्यों और इस पर भी क्यों, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा एफ, ये इस पर भी एफ रिपल्सन फोर्स लगेगा। आगे बोल रहा है थ्रेड वेटलेस है विद द वर्टिकल, और वर्टिकली इसको हैंग किया गया तो जब दोनों पर एम मास का वॉब है इस पर क्यों चार्ज दिया गया तो रिपल्सन का फोर्स ऐसे लगेगा बेटा। और आगे बोल रहा है इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड सो दैट, और दिखाना आपको है कि उन पर चार्ज फिर इतना होगा कि उसका इक्वल टू इतना होगा 4mg l² sin² θ × 4π ε₀। सिंपली सी बात है कि इन दोनों फोर्स को आप मिलाओगे बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक सेंट्रल फोर्स है और उसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। इसे ऐसे हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में देखते हैं, और ये एंगल बेटा 90 डिग्री हो गया, और अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर देखें कि ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, और इसमें अगर बेटा ये टेंशन टी है तो इसके दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड करो टी कॉस थीटा, एंड इधर जो आएगा इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा, ये होगा टी साइन थीटा। तो बेसिकली इस पर तीन फोर्स लगेंगे बेटा, नंबर एक यहां पर एक टेंशन का फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, दूसरा जो बेटा इसमें लगेगा देखिएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और तीसरा जो फोर्स लगेगा इसमें सेंटर की सॉरी इस पर जो लगेगा वो मास ऑफ द बॉडी की वजह से लगेगा और जो होगा एमजी या वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी की वजह से ये फोर्स लगेगा। याद रहे बेटा अगर ये दोनों अगर इधर रिपल्सर फोर्स की वजह से डायरेक्शन में है तो इस फोर्स को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, एफ को कौन बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, और एफ का जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मैग्नीट्यूड क्यू क्या होगा 1/4πε₀ और क्यू स्क्वायर बाई यहां से हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम दे दे बेटा ए, इस पॉइंट का नाम दे दे बी, तो ए बी का होल स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच में ए तो डिस्टेंस है ए बी, और इससे नाम दे दे बेटा ओ, इससे नाम दे दे सी, और इक्वल टू देखिए बेटा एफ इक्वल टू 1/4πε₀ क्यू स्क्वायर क्यू क्यू, दोनों चार्ज सेम है ना बेटा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू होता है बेसिकली लेकिन दोनों सेम चार्ज है तो क्यू स्क्वायर और ए बी होल स्क्वायर, और ये टी साइन थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या है बेटा नेक्स्ट कि इसके वेट की वजह से ये ए पॉइंट है, ये वेट इसका नीचे डाउनवर्ड होगा एमजी, तो एमजी को कौन बैलेंस करेगा, एमजी को बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा, एमजी को कौन बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा, और ये इक्वेशन बेटा सेकंड होगा। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कॉस कितना मिलेगा आपको टेन थीटा मिलेगा, और यहां से बेटा आपको जो मिलेगा वो है क्यू स्क्वायर अपान 4πε₀ ए बी का होल स्क्वायर। बेटा हम यहां पर देखें कि ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 2ac के इक्वल है, ए बी हमारा कितना है 2ac के इक्वल है, और ac कितना है, ac को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहां पर इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OCA में साइन थीटा इक्वल टू लें तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये थीटा है तो इसके सामने का आर्म परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AO, और साइन थीटा इज इक्वल टू AC की वैल्यू वही रहने दो आप, और AO की वैल्यू यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके AC इक्वल टू AO की वैल्यू कितना है बेटा, AO की वैल्यू लेंथ ऑफ द थ्रेड L, लेंथ ऑफ द थ्रेड L, और यहां से ये L हो गया और इनटू साइन थीटा हो गया,
ये वैल्यू हो गई बेटा आपकी AC इक्वल टू L साइन थीटा, और ये यहां से यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा आपको, AB इक्वल टू 2 और AC की जगह पर L साइन थीटा लिखेंगे, L साइन थीटा, इट मींस AB इक्वल टू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, और ये वैल्यू यही AB इक्वल टू 2L साइन थीटा यहां पर प्लेस करेंगे तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा यहां पर tan थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और AB का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा और AB की जगह पर बेटा 2L साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ध्यान से देखिए बेटा ये AB का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर टेन थीटा है तो टेन थीटा, इट मींस Q स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का ये सॉल्यूशन है बेटा, हमें यही प्रूव करना था। एक मिनट बेटा, यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है, अपान में MG तो किया ही नहीं हम लोगों ने, तो MG ये चल रहा है ना, ये दोनों हमने दोनों इन्हीं दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है, इन्हीं इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, तो MG यहां पर लिखना होगा और फिर बेटा यहां पर MG ऐसे चलता रहेगा और MG यहां पर भी चलता रहेगा, MG यहां पर भी चलता रहेगा, तो यहां पर बेसिकली बेटा वही आ रहा है, देखिए 4MGL स्क्वायर MG का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो MGL आ जाएगा, या हम यहीं पर लिख दें M और G, तो 4L स्क्वायर MG साइन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा, तो ये प्रूव हो गया है बेटा। तो इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन रहा बेटा, वीडियो को पॉज करके और अच्छे से नोट कीजिए। थैंक यू बेटा।